नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो मेरे जो भाई बहन हैं जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में जॉब करना चाह रहे हैं और जो कि फ्रेशर हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम सबसे बेसिक टेस्ट जो होता है क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी में उसके बारे में बात करेंगे। वो होता है एलओडी टेस्ट। तो एलओडी टेस्ट फार्मास्यूटिकल में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है फ्रेशर्स के लिए इंटरव्यू के टाइम पर, क्योंकि ये टेस्ट जो है वो लैब में भी हम लोग कॉलेज के लैब में भी परफॉर्म कर चुके होते हैं, इसलिए ये सबसे बेसिक टेस्ट सबसे पहले पूछा जाता है। तो इस टेस्ट में होता क्या है, ये बहुत ही सिंपल सा टेस्ट होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि ये टेस्ट हम करते क्यों है। तो एलओडी टेस्ट इसलिए किया जाता है कि सैंपल में जो भी वाटर पार्टिकल है उसको हम इसमें रिमूव करते हैं, और इसमें वाटर पार्टिकल का जो क्वांटिटी है ये सैंपल में वो कितना है ये जानने के लिए एलओडी टेस्ट किया जाता है। तो सबसे पहले एलओडी टेस्ट करना कैसे है ये जान लेते हैं, और फिर आपके जो क्वेश्चन है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो एलओडी टेस्ट में सबसे पहले होता है एलओडी बॉटल। तो एलओडी बॉटल कुछ इस प्रकार का दिखता है जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो एलओडी बॉटल इसी प्रकार का होता है, उसका शेप कंपनी के अलग तरफ से अलग अलग हो सकता है कि कंपनी किस वेंडर से ये मंगवा रही है, तो उसके हिसाब से थोड़ा शेप अलग अलग हो सकता है, लेकिन यही एलओडी बॉटल होता है। तो सबसे पहले एलओडी बॉटल हम लेंगे और उसको ओवन में रखेंगे आधे घंटे के लिए, जो कि फार्माकोपिया के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। कुछ फार्माकोपिया में 1 घंटे तक भी रखना पड़ता है, तो हम उसको प्रोसीजर के हिसाब से ओवन में रखेंगे। अब कितने टेम्परेचर पर रखना है ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि आपको जो शीट दिया जाएगा, जो प्रोसीजर दिया जाएगा, उसमें लिखा होता है कि 105 डिग्री पर आपको रखना है। तो 105 डिग्री पर हम लोग एलओडी बॉटल को ओवन में रखेंगे आधे घंटे के लिए। फिर उसके बाद में आधा घंटा कंप्लीट होने के बाद जब हम एलओडी बोतल को निकालेंगे, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि एलओडी बोतल जो है वो ओवन में 1 घंटे तक आधे घंटे तक रखने की वजह से वो गर्म हो चुका होगा, तो आप यहाँ पर ग्लव्स का इस्तेमाल करेंगे उसको निकालने के लिए। तो आप ओवन से एलओडी बोतल को निकालेंगे और फिर उसको डेसिकेटर में रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो फिर जब जैसे ही 15 से 20 मिनट हो जाएगा तो आपका एलओडी बॉटल जो है वो ओवन में ठंडा हो चुका होगा। तो इस ठंडे एलओडी बॉटल को हम बैलेंस पर सबसे पहले वेट करेंगे, एम्प्टी एलओडी बॉटल का, जो माना जाएगा आपका W1। W1 मतलब एम्प्टी एलओडी बॉटल वेट, ठीक है। तो वो एलओडी बॉटल का जो भी वेट आएगा वो आप रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर उसके बाद में एलओडी बॉटल को उसी एलओडी बॉटल में विथ लीड, लीड मतलब एलओडी बॉटल का जो ढक्कन होता है उसे लीड कहा जाता है, तो उस लीड को हम थोड़ा सा हटाएंगे बैलेंस के अंदर ही। आपको सबसे पहले विथ लीड एलओडी बॉटल का वेट लेना है, फिर लीड को आप ज़रा सा हटाएंगे कि आपको सैंपल डालने के लिए जगह मिल जाए। तो मोस्ट ऑफ द फार्माकोपिया के हिसाब से सैंपल जो लिया जाता है वो होता है 1 ग्राम। तो एनालिटिकल बैलेंस पर आप 1 ग्राम सैंपल का वेट उसी एलओडी बॉटल के वेट में प्लस कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके एलओडी बॉटल का वेट आया है 30 ग्राम, तो आप उसी में 1 ग्राम सैंपल ऐड कर देंगे तो आपका वेट हो जाएगा 31 ग्राम, ठीक है। तो वही वेट आपको दोबारा से रिकॉर्ड करना है 31 ग्राम, जो हो जाएगा आपका W2 मतलब वेट नंबर 2, एलओडी बॉटल प्लस सैंपल का वेट, ठीक है। तो अब इसके बाद में आपको वापस एलओडी बॉटल विथ सैंपल रखना है ओवन में उतने ही टेम्परेचर पर जितना टेम्परेचर आपको प्रोसीजर में बताया गया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द 105 डिग्री या 110 डिग्री तक ही होता है।
अब ये टेम्परेचर 105 डिग्री क्यों होता है, क्योंकि 100 क्योंकि हमारे वाटर का जो है वो वेपराइजेशन का टेम्परेचर है 100 डिग्री, इसीलिए 105 या 110 डिग्री तक टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो उसी एलओडी बॉटल को हम लोग रखेंगे 105 110 डिग्री जो भी दिया है उसको ओवन में रखेंगे। वो टाइम होता है लगभग 1 घंटे तक का, ज़्यादातर फार्माकोपिया के हिसाब से 1 घंटे तक ही हम उसको रखते हैं। ठीक है, तो आपको एलओडी बॉटल ओवन में रख देना है 1 घंटे तक, उसको 105 डिग्री तक रखने देना है। लेकिन एलओडी बॉटल को ओवन में रखते वक्त आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि आपको लीड जो है, जो ढक्कन है एलओडी बॉटल का, वो थोड़ा सा सटा कर, मतलब साइड में कर कर ही रखना है। ठीक है, तो जैसे ही आपका 1 घंटा पूरा हो जाएगा फिर आप एलओडी बॉटल को ओवन से निकाल लीजिएगा। फिर एलओडी बॉटल का ओवन से निकाल कर हम रख देंगे डेसिकेटर में 15 से 20 मिनट के लिए। फिर उसके बाद में जैसे ही आपका एलओडी बॉटल ठंडा हो जाता है तो वापस से हम उसका वेट करेंगे एनालिटिकल बैलेंस पर। जो भी वेट आएगा वो उस वेट में आपको कुछ भी उस वेट में आपको कुछ भी इधर उधर नहीं करना है। जो भी वेट आएगा वो आपको रिकॉर्ड कर लेना है। ठीक है, तो वो वेट आपका हो जाएगा W3। ठीक है, तो वो वेट आपका हो गया W3। W1 W2 पहले से आपके पास है। तो इस तरह से आपका जो प्रोसीजर है एलओडी टेस्ट का वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो अब आती है बात कैलकुलेशंस की। तो एलओडी का एकदम सिंपल सा फॉर्मूला होता है W2 - W3, मतलब एलओडी बॉटल का प्लस सैंपल का वेट जो आपने पहले लिया था, और उसको हम माइनस करेंगे हमारे फाइनल वेट से जो ड्राइंग के बाद में आया हुआ है, मतलब W2 - W3 डिवाइडेड बाय, उसको हम डिवाइड करेंगे W2 - W1 से, मतलब जो भी वेट हमने एलओडी बॉटल प्लस सैंपल का लिया था उसको हम माइनस उसमें से हम माइनस करेंगे W1 एम्प्टी एलओडी बॉटल का वेट, जो कि आपको देगा आपने सैंपल का वेट कितना लिया है, उसको अगर हम माइनस करेंगे तो आपको आपका सैंपल वेट मिल जाएगा। तो W2 - W3 डिवाइडेड बाई W2 - W1, ये हो गया आपका फॉर्मूला। और उसको कैलकुलेट करने के बाद जो भी आपका रिज़ल्ट आएगा वो आएगा आपका एलओडी रिज़ल्ट, जो कि परसेंटेज में लिखा जाता है। अब इसका लिमिट कितना होता है, ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल कंपनीज में इसका लिमिट फार्माकोपिया के हिसाब से होता है 0.5%, मतलब आपका जो एलओडी बॉटल प्लस सैंपल का वेट है और जो फाइनल एलओडी बॉटल प्लस सैंपल का ड्राइंग के बाद वाला वेट है वो 0.5% से ज़्यादा डिफर नहीं होना चाहिए। अगर वो 0.5% के अंदर आता है तो आपका एलओडी टेस्ट जो है वो पास हो जाता है। और अगर कभी अगर आपका ये टेस्ट 0.5% से ज़्यादा आ जाता है ये वेट, तो आपका जो एलओडी टेस्ट है वो फेल हो चुका है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और उसके बाद आपको हो सकता है कि ये टेस्ट फिर से करना पड़े। तो ये थी आज की एलओडी टेस्ट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये जो टेस्ट है वो फ्रेशर्स के लिए हमेशा इंटरव्यूज में पूछा जाता है। तो यहाँ पर होती है आज की वीडियो ख़त्म। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको अगली वीडियो जो है वो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू।